नमस्कार दोस्तों, किंग खान की फिल्म पठान अभी रिलीज हुआ ही नहीं, उससे पहले किंग खान की जलवा देखने को मिल रहा है। यस मेरा भाई, किंग खान फिर से बन गए हैं नंबर वन बॉलीवुड एक्टर। ऐसे में अब सबको पता है किंग खान की जो फिल्म आने वाले हैं पठान, वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाले। और इस फिल्म में शाहरुख खान की फीस के चलते शाहरुख खान ने बॉलीवुड की तमाम बड़े सुपरस्टारों को पीछे छोड़ दिए हैं। यस, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ऑफिशियली बॉलीवुड की फिर से हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। यस मेरा भाई, क्योंकि 2013 तक एक दौर था शाहरुख खान की जो हमेशा से टॉप हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में शामिल थे। ऐसे में फिर से किंग खान बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्टर बताया जा रहा है। आपको रिपोर्ट बता देता हूँ। आप सबको पता है इंडिया की बिगेस्ट एक्शन फिल्म पठान में शाहरुख खान की फीस की जो हिस्सा है वो 40% प्रॉफिट हिस्सा होने वाले। लेकिन रिसेंट एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान 100 करोड़ चार्ज कर रहे हैं पठान फिल्म के लिए। ऐसे में ये न्यूज कितना सही है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस की तरफ से ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि किंग खान नंबर वन बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। ऐसे में आप सबको पता है रिसेंट टाइम में अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान की दबदबा रहता है हाईएस्ट पेड बॉलीवुड एक्टर की लिस्ट में, लेकिन फिर से किंग खान अपनी पोजीशन पे वापस आ चुके हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दूं, अगर ये रिपोर्ट रॉन्ग भी होते उससे बाद पठान रिलीज होते हैं तो शाहरुख खान को हाईएस्ट पेड बॉलीवुड एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर पठान 300 करोड़ कमा लेते तो शाहरुख खान की प्रॉफिट हिस्सा होने वाले हैं 120 करोड़, जो आज तक किसी भी बॉलीवुड सुपरस्टार ने किसी एक फिल्म से अर्न नहीं किया होगा। ऐसे में आप लोग बताइए, किंग खान अपनी पोजीशन पे बैक कर चुके, आप लोग इसको लेके कितने ज़्यादा हैप्पी हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।